नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कोविड काल में हो रहे बिहार चुनाव में अगर दिलचस्पी का कोई पुट नजर आ रहा है तो यकीनन इसका श्रेय लोक जनशक्ति पार्टी को जाता है। लोक जनशक्ति पार्टी खुद को एनडीए और बीजेपी का भरोसेमंद सहयोगी बताती रही है, दूसरी तरफ बिहार में अकेले चुनाव भी लड़ रही है। जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार हैं वहां वहां एलजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। जिन बीजेपी नेताओं को तमाम जद्दोजहद के बाद भी टिकट नहीं मिल पाया उन सीटों पर बीजेपी के वो नेता एलजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एलजेपी को वोट कटवा कहा तो चिराग पासवान ने खुद को मोदी का हनुमान कहा। इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी कहा कि एलजेपी का एक ही मकसद है, बिहार में एनडीए को हराना। इधर जेडीयू चिराग पासवान से नतीजे का इंतजार करने की बात कह रही है तो कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने एलजेपी के एक्शन को बीजेपी का गेम प्लान कहा है। इधर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बताया कि 10 नवंबर को पता चल जाएगा कि कौन है वोट कटवा। इधर सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल रही है कि कई सीट ऐसी है जहां से एलजेपी के उम्मीदवार उतारने की वजह से बीजेपी भी नाराज बताई जा रही है, जिसमें राघोपुर की सीट भी है। बड़ा सवाल यह है कि बंगले के चिराग से आखिर रोशन कौन होगा। जहां हम एक तरफ अपनी स्थिरता, पार्टी की, बिहार की स्थिरता, बिहार में लोकतंत्र, उसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं एलजेपी लोजपा अपने अस्तित्व के लिए चुनाव लड़ रही है। दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन अस्तित्व, फॉर देयर ओन वेलबींग। अपना अस्तित्व बचाने के लिए जिस प्रकार एलजेपी या लोजपा झूठ का सहारा लेकर आज सुबह से नाना प्रकार के इंटरव्यू भिन्न भिन्न टेलीविजन चैनल में दे रहा है या दिया जा रहा है लोजपा पार्टी की तरफ से, यह अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं। सुशील कुमार मोदी जी गठबंधन में एनडीए के सबसे भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और देवेंद्र फडणवीस जी बिहार के चुनाव के प्रभारी हैं और संगठन के प्रभारी भूपेंद्र यादव जी हैं। सबों ने कई बार इस बात को दोहरा दिया है, इसलिए आप चिराग पासवान जी को धैर्यपूर्वक एक राजनीतिक दल के नेता के तौर पर जनादेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री इतनी जातिवादी बातें करेगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और उसी दिन से मैं इस बात को लेकर मैं क्लियर हो गया था कि भैया इनकी सोच ही जातिवादी और उसको ये बहुत अच्छा नाम देते हैं, कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग की है इन्होंने। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ जातीयता में बांटना होता है और अपना वोट बैंक बनाना होता है। जो कभी अंग्रेज करते थे बांटो और शासन करो, वही नीति इन्होंने अपनाई, दलित को महादलित किया, पिछड़ा को अति पिछड़ा किया और सिर्फ जाति की राजनीति करते रहे। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चिराग पासवान को लेकर या एलजेपी को लेकर जो कुछ भी कह रहे हैं, ये एक फिक्स्ड है, ये मैच फिक्सिंग टाइप का चीज है। ये सभी लोग नीतीश कुमार से छुटकारा चाहते हैं। जो कुछ लोग लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता जो तरह तरह का प्रचार कर रहे हैं कोई उनके बहकावे में आने वाला नहीं है और गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में, एनडीए गठबंधन की सरकार और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो सवाल यहां पर यही है कि आखिर बंगले में जो चिराग जल रहा है उससे रोशन कौन होगा बिहार की सियासत में, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में चुनाव हो रहा है तो चुनाव में जो दिलचस्पी का सबसे बड़ा पुट है वो लोक जनशक्ति पार्टी ने डाला है। एक तरफ बीजेपी उसे वोट कटवा कह रही है तो दूसरी तरफ चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बता रहे हैं। आज इसी पर बहस होगी कि आखिर क्या है गेम प्लान, क्योंकि बिहार एनडीए में जो आपस में जो तमाम पार्टियों के बीच लड़ाई है उस पर कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी का गेम प्लान है, जबकि जेडीयू ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि एलजेपी भ्रम फैला रही है, वोट काट रही है। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता हैं बिहार बीजेपी के। प्रेम रंजन जी बहुत स्वागत है आपका। अनवर हुसैन है हमारे साथ, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। अनवर जी बहुत स्वागत है आपका। प्रमोद ओझा हैं बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रमोद जी आपका भी बहुत स्वागत है। और श्रवण कुमार एलजेपी के प्रवक्ता हैं। श्रवण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण जी बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत हम श्रवण कुमार आपसे ही करते हैं, क्या है एलजेपी, वोट कटवा या मोदी के हनुमान? देखिए आपका जो यह सब्जेक्ट है आज के डिबेट का, हाँ, कि बंगले के चिराग से रोशन कौन, हाँ, तो मैं कहना चाहता हूं या बताना चाहता हूं कि बंगले के चिराग से रोशन बिहार की जनता हो गई होगी, जी, बिहार होगा और बिहारी अस्मिता
और बिहारी सम्मान रोशन होगा, जो हमारे पार्टी के आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का संकल्प लेकर आज जनता के बीच निकल पड़े हैं, तो उससे बिहार को रोशन करने का हमारा लक्ष्य लोक जनशक्ति पार्टी का। और जहां तक रहा गेम प्लान का बात, कोई गेम प्लान नहीं है। हम लोग चाहते हैं पूरे बिहार के जनमानस का जो मानस है, या जो 15 साल 15 साल 15 साल 30 साल, बाबू आप बार बार 15 साल 15 साल 15 साल 15 साल तो आपको भी जनता ने दिया। आप चुनाव लड़िए विकास के बात पे, लेकिन सड़क के बात, श्रवण जी बिजली के बात, मेरी बात का भी तो जवाब दे दीजिए। श्रवण जी नहीं, ठीक है श्रवण जी, मेरी बात का भी तो जवाब दे दीजिए। प्लान के बात पे संबित पात्रा ने वोट कटवा कहा और चिराग पासवान ने, सुन लीजिए श्रवण जी सुन लीजिए, संबित पात्रा ने आपको वोट कटवा कहा और चिराग पासवान ने खुद को बताया मोदी का हनुमान। एक बार ये भी स्पष्ट कर दीजिए कि आप क्या हैं। देखिए संबित पात्रा जी जो बोल रहे हैं, हाँ, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित जी नहीं बोल रहे हैं, हाँ, उनसे बुलवाया जा रहा है जी। नीतीश जी का जमीन खिसक चुका है बिहार में, हाँ, वह काफी अलोकप्रिय हो चुके हैं, जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। आप लोग भी धरातल पे जा रहे होंगे, जमीन पे जा रहे होंगे। नीतीश जी से बिहार की 12 करोड़ से ज्यादा की जो जनता है बिहार की पूरी तरह से त्रस्त है। हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में गठबंधन है, तो संबित जी बोल रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता नहीं भूली है। बिल्कुल यही थे बीजेपी, मतलब हाँ, बड़का झूठा पार्टी। ठीक है, ठीक है श्रवण जी, मिल जाएंगे। मैं दोबारा आता हूँ श्रवण जी, श्रवण जी जाएंगे, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, जरा इसका जवाब ले लें। मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। प्रेमरंजन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू से कोई है नहीं जिससे जवाब लिया जाए, तो प्रेमरंजन जी आपके सहयोगी हैं, आप ही जवाब दे दीजिए। लेकिन मेरी तरफ से एक सवाल ये है कि कांग्रेस का ये आरोप है कि दरअसल जो हो रहा है ये बीजेपी का गेम प्लान है नीतीश कुमार और जेडीयू को कमजोर करने का। प्रेमरंजन जी देखिए, ये बिहार का चुनाव जो अभी हो रहा है ये विकास और विनाश के बीच में हो रहा है। एक तरह से कहें कि राम और रावण के बीच में हो रहा है। जो विकास विरोधी हैं वो एनडीए के खिलाफ हैं, जो विकास के साथ हैं, बिहार का चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, बिहार की प्रगति हो, बिहार आगे बढ़े, बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले, और वो सब लोग जो है से एनडीए के साथ हैं। तो जो भी बोल रहे हैं, और कांग्रेस का स्थिति क्या है वहां, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं वहां तो तेजस्वी यादव उठाकर करके जितनी सीटें और जौन जौन सीटें दे दिया उतना ही जो है से लेना है, नहीं लड़ना है। वहां तो पार्टी महागठबंधन से छोड़ छोड़ कर करके लोग भाग गए, स्थिति उनको पता चल गया कि ये कहीं लड़ाई में भी महागठबंधन नहीं है, एनडीए का एक तरफा जो लड़ाई है, तो इसलिए छोड़ कर करके आप देखे तो तीन तीन पार्टियां पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले उपेंद्र कुशवाहा छोड़ के चले गए। आपकी बात हो रही है ना प्रेमरंजन जी, ठीक है उनकी बात करेंगे। प्रेमरंजन जी एक सहयोगी बैठकर दूसरे सहयोगी के खिलाफ बोल रहे हैं, नहीं ठीक है प्रेमरंजन जी वो बात सही है, उस टॉपिक पे ही बात करेंगे, लेकिन एक आपके एक सहयोगी बैठकर आपके दूसरे सहयोगी को टारगेट कर रहे हैं, इस पे भी तो कुछ बोलिए। नहीं नहीं, सहयोगी आप किस आधार पर सहयोगी कर रहे हैं? क्या एलजेपी नहीं है एनडीए में? साथ ही वो हमारे साथ चुनाव लड़ रहे हैं। क्या एलजेपी एनडीए में नहीं है? हमारे साथ रह कर करके चुनाव, अरे भाई चुनाव हो रहा है एनडीए, आप एनडीए में अगर रहते तो एनडीए के साथ न रहते, हाँ, इससे साफ नजर नहीं आ रहा है कि एनडीए एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है, और जो लोग एनडीए से बाहर होकर करके अकेले लड़ रहे हैं तो एनडीए का पार्ट कैसे हो सकते हैं? नहीं, वो तो मोदी मोदी के हनुमान खुद को आप राम रावण के बीच युद्ध बता रहे हैं। नहीं नहीं, आप प्रेमरंजन सुन लीजिए, आप राम और रावण के बीच युद्ध बता रहे हैं और चिराग पासवान खुद को हनुमान बता रहे हैं। प्रेमरंजन जी भाई 132 करोड़ हाँ, देश की जनता है, हाँ, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, हाँ, बिहार की एक एक जनता उनका हनुमान है। अगर कोई कहता है, और हमारे नेता एनडीए के सबसे बड़े नेता जो देश के प्रधानमंत्री, अगर उनको पसंद आता है तो फिर बिहार में एनडीए के खिलाफ क्यों? अगर वही पसंद है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एनडीए के प्रचार के लिए आ रहे हैं, 23 तारीख को आ रहे हैं, 28 तारीख को आ रहे हैं, 4-4 दिन उनकी सभा है, 12 सभा लगी हुई है, तो बताइए वो एनडीए के प्रचार के लिए आ रहे हैं कि किसी दूसरे के लिए आ रहे हैं? हाँ,
तो नरेंद्र मोदी का अगर हनुमान है, हाँ, नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की जो चाहत है उस चाहत के अनुरूप न रहना चाहिए। बिल्कुल प्रेमानंद जी, हनुमान ठीक है, ठीक है, और नरेंद्र मोदी की चाहत के खिलाफ आप काम कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रेमानंद जी फिर से आता हूँ, संभव है, फिर से आता हूँ। अनवर हुसैन, क्या चल रहा है, ये रियल फाइट है या नूरा कुश्ती है? ये नूरा कुश्ती है जी, ये प्री प्लान कुश्ती है। ये सब भाजपा के पास फीडबैक पहले से है कि दलित वोट उनसे घिसक चुका है, जेडीयू से घिसक चुका है, और दलित वोट का स्विंग जो है वो आरजेडी की तरफ हो रहा था, हाँ। उस स्विंग को रोकने के लिए ये गेम प्लान किया गया है। दूसरी हाँ। बात यह है कि भाजपा बहुत दिनों से अपने मित्रों के पीठ में और बगल में खंजर घोपती आई है। इस बार भाजपा के निशाने पर न सिर्फ नीतीश कुमार हैं बल्कि एलजेपी भी हैं। इनको फाइनली एलजेपी की दलित पॉलिटिक्स को डायल्यूट करना है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान खुद लोजपा को होगा, इसकी दलित आइडेंटिटी लिक्विडेट करेगी, खत्म होगी यहां पर, और ये अपना अस्तित्व खो देगी। लेकिन अगर ये गेम प्लान है अनवर जी, अगर ये गेम प्लान है तो वो आपके खिलाफ कम और जेडीयू के खिलाफ ज्यादा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, ये पब्लिक को कंफ्यूज किया जा रहा है। पॉलिटिकल सिचुएशन है, कंफ्यूजन है, सोशली बहुत सारे लोगों को जात पात इसकी बुनियाद पर कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। उनको अभी नीतीश कुमार को अपने साथ रखना है, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी अगर वॉकआउट कर जाए एनडीए से तो भाजपा मुश्किल में पड़ जाएगी। नीतीश कुमार का अपना भी एक वोट बैंक है, उनकी भी एक सोशल इंजीनियरिंग है, अगर गए तो वो उनका जो वोट बैंक है वो बगावत करेगा भाजपा से। तो कोई तरह से अभी वो उस वोट को अपने साथ रखना चाह रहे हैं। वे जानते हैं भाजपा वाले भी कि नीतीश कुमार के बगैर वो कांग्रेस, नीतीश कुमार की अगर बैसाखी उनको ना मिले तो जितनी सीटें उनको बिहार में मिल जाती है वो नहीं मिलेंगी। लेकिन नीतीश कुमार को उनको कमजोर करना है, नीतीश कुमार को उन्हें गिराना है। इस बार उन्होंने अभी बगल से छुरा घोपा है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने इससे पहले महागठबंधन की पीठ पे छुरा घोपा, आज ये अमल उनके ऊपर दोहराया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। कल इस इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि भाजपा जो है सामने से आकर पेट पर नीतीश कुमार के खंजर घोपेगी। ठीक है, अगर ये बिल्कुल अनवर जी, आपके सहयोगी हैं यहाँ पर प्रमोद ओझा, उनसे भी बात कर लेते हैं। प्रमोद जी, हमने कांग्रेस के हवाले से सवाल पूछा था कि क्या है गेम प्लान, तो ये कहा गया कि क्या गेम प्लान, क्या बताएंगे कांग्रेस, पहले ये बताए कि जो जो सीटें दी गई बस उसी पे लड़ना है, ये मजबूरी है? नहीं नहीं, मजबूरी नहीं है। गठबंधन में जो भी सीट हम लोग को मिली है, हमारे अनुसार मिली है, हम उस अनुसार से सीट लिए हैं, उस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें मजबूरी कहाँ से आ जाएगी? लेकिन गेम प्लान, लोगों को जो विरोधी दल है, गेम प्लान इन लोग का चल ही रहा है। एक जगह जहाँ ये लोग एनडीए के साथ एलजेपी लड़ रही है, एक जगह एनडीए से बाहर चल रही है, तो गेम प्लान है इनको कमजोर करना। नीतीश कुमार जिस प्रकार से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़का झूठा पार्टी बोले थे, उसका बदला लिया जा रहा है। अच्छा, उनको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। एलजेपी पुनः एनडीए में जाएगी, थोड़े है कि बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो खुद कह रहे हैं कि मैं हनुमान हूँ बीजेपी का, मोदी जी का हनुमान हूँ, ये तो कह ही रहे हैं, तो जाएंगे ही। अन्य जगह जहाँ एनडीए के साथ बीजेपी के साथ एलजेपी अलायंस में लड़े उसको भी खत्म कर दीजिए। ठीक है, क्यों नहीं वहां भी तोड़ रहे हैं हम? बिल्कुल प्रमोद जी, सिर्फ जदयू के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाँ हाँ, यही सवाल देखिए, पटेल कहना चाहूंगा कि हाँ बोलिए, भाजपा के जो कैंडिडेट्स भाजपा से जिनको टिकट नहीं मिला, जो जाके एलजेपी पे लड़ रहे हैं, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली भाजपा को अपनी सीट, ठीक है ठीक है, जेडीयू के मुकाबले आगे बढ़ना है। अगला सवाल यही है, अगला सवाल यही है। जेडीयू 122 लिया, कांग्रेस और श्रवण कुमार जी 121 दिया। अगर आप मोदी के हनुमान होते तो एनडीए को जिता रहे होते, ना कि हरा रहे होते, ये अभी आपके सामने बोला है प्रेमानंद पटेल ने। श्रवण जी देखिए, राजेश जी हमारे बड़े भाई बगल में बैठे हैं, प्रेम रंजन जी, हाँ, उन्होंने कहा बिहार में राम और रावण की लड़ाई है, हाँ, तो मैं बिहार की जनता नीतीश जी से जानना चाहती है, हाँ, और निश्चित रूप से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, भाजपा और लोजपा की सरकार हम बनाएंगे बिहार में 10 तारीख के बाद। अच्छा, 10 को परिणाम आने दीजिए, लेकिन बिहार की जनता ये भी जानना चाहती है कि कई प्लेटफॉर्म पे, कई चैनलों में, कई जगहों पे
जदयू के लोगों ने कहा कि केंद्र में हम एनडीए की सरकार में नहीं है, हाँ। केंद्र में हम एनडीए के साथ नहीं है, हाँ। कई मौके पे, हाँ। चाहे राम मंदिर का मामला हो, हाँ। चाहे धारा 370 का मामला हो, हाँ। ट्रिपल तलाक का मामला हो, सभी मुद्दों पे लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे दिवंगत नेता आदरणीय रामविलास पासवान, दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, सबों ने पूरी मजबूती और मुस्तैदी से आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए का ईमानदारी से साथ दिया लोकसभा में, राज्यसभा में, और ये लोग हैं जदयू के। प्रेमचंद जी, प्रेमरंजन जी, चुप रहेंगे तो मैसेज कुछ और चला जाएगा। प्रेमरंजन जी के साथ नहीं, धारा 370 के साथ नहीं। पहले अब वो बोल लेंगे तब ना तो हम बोलेंगे जी। देखिए जो पार्टियां हमारे साथ है, आप बात कर रहे हैं जो ऐसे कई मुद्दों पर जो ऐसे लोकसभा और राज्यसभा में साथ देने की बात कर रहे हैं, कई पार्टियां एनडीए का पार्ट नहीं है, एनडीए से बाहर है, और वो भी उस मुद्दे पर हमारे साथ आई, इसलिए कि वो देश के हित में था, वो आवश्यक था, लेकिन लोगों को लगता लेकिन इस बात का क्या जवाब देंगे कि एलजेपी बीजेपी की सरकार बनेगी चुनाव के बाद, लोगों ने दिया है। और सबसे बड़ी बात है, नहीं नहीं, हम लोगों ने घोषणा कर दिया है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हाँ। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। श्रवण जी, पहले से हमने घोषणा कर दिया है, हाँ। जिनको पसंद है जनता का विश्वास पूरी तरह से नीतीश जी खो चुके हैं, जनता दल यू देख लीजिएगा, जनता दल यू का अंतिम चुनाव है, हो जाएंगे। गजब का सहयोग है आप लोगों के बीच में, हाँ। स्वागत करेंगे के लोग, बिहार के लोग पूरी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं 23 तारीख से, हम लोग भी स्वागत करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पार्ट बनकर। बिल्कुल, तो जो ऐसे लड़ रहे हैं चुनाव, बिल्कुल, नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए। बिल्कुल, देखिए आपके सहयोगी बगल में बैठे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। अनवर जी, अनवर हुसैन, ये क्या चल रहा है जी, क्या चल रहा है ये? मैंने कहा ये तो नूरा कुश्ती है, ये सब कुछ दिखाने के लिए है, वोटर्स को कंफ्यूज करने के लिए है, हाँ। ये फाइनली एक साथ बैठेंगे, नीतीश कुमार को ये बदलेंगे। बिल्कुल, आखिरी सवाल, बस 30 सेकंड में जवाब चाहिए प्रमोद जी। पहली बार तो ठीक है, बस समय नहीं है, समय नहीं है अनवर जी, समय नहीं है। प्रमोद ओझा, आखिरी सवाल, क्या लेकिन मैं एक बात ठीक है, बोल लीजिए, हाँ हाँ, पूरी करने दीजिए बात, अनवर हुसैन बात पूरी कर लीजिए, बस टाइम नहीं है, हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है कि बिहार चुनाव धीरे धीरे दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि एलजेपी ने जिस तरीके के तेवर दिखाए हैं उसके कई मतलब निकलते हैं, और आपने देखा कि किस तरीके से दो सहयोगी एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं तीसरे सहयोगी को लेकर। बिहार में चुनाव चल रहा है और धीरे धीरे मामला दिलचस्प हो रहा है। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।